हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाई की संपूर्ण जानकारी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पैरासीटामोल टेबलेट की। क्या आप जानते हैं कि पैरासीटामोल टेबलेट का यूज क्या है, क्या इसके साइड इफेक्ट है, क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, किसको हम नहीं दे सकते। लास्ट में हम जानेंगे कि क्या यह टेबलेट प्रेगनेंसी के लिए सेफ है या नहीं। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पैरासीटामोल टेबलेट एक एंटीबायोटिक और एंटी एनालिसिस ग्रुप की एक दवा है। अगर हम पैरासीटामोल टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं, तो यह मार्केट में आपको 125 mg, 250 mg, 500 mg और 1000 mg में आपको मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम इसके ब्रांड नेम की अगर बात करते हैं, क्योंकि यह एक पैरासीटामोल कंपोजिशन नाम है और ब्रांड नेम इसका अलग होता है, और सभी के एरिया में अलग अलग नाम से इसको मिल सकती है। लेकिन मैं आपको एक पॉपुलर ब्रांड बता रहा हूँ। कुछ ब्रांड नेम है जैसे कालपोल हो गया, प्रोटीन है, मैकफास्ट है, डोलो है, ऐसे कुछ ब्रांड नेम है जो कि आपको मार्केट में मिल जाएंगे। हम इसके यूज की बात करें तो आप सब जानते हैं कि पैरासीटामोल टेबलेट को बुखार को कम करने में यूज की जाती है, लेकिन यह एक दर्द निवारक टेबलेट भी, क्योंकि यह एक एंटी एनाल्जेसिक ग्रुप की एक दवा है जो कि आपको दर्द, माइनर दर्द में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यह एडल्ट की अगर बात करते हैं, 650 mg दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। अगर जरूरत पड़ने पर हम इसको दिन में 4 बार भी ले सकते हैं। अगर हम उसके बच्चों के डोज की अगर बात करते हैं, तो बच्चों के डोज में उसके वेट के अकॉर्डिंग उसको दवा दी जाएगी। इस दवा का उपयोग आप खाना खाने के बाद ही इस्तेमाल करें, ताकि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट की। जनरली इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यह एक बेसिक सी दवा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर किसी को साइड इफेक्ट इसका होता भी है, जनरली जो देखा गया है वो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, एब्डोमिनल पेन, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट हैं जो कि हो सकते हैं। जनरली इसका कोई साइड इफेक्ट तो होता नहीं है। अगर हम इसके वार्निंग और कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, तो ये इसको हम अल्कोहलिक व्यक्ति को हम नहीं दे सकते, क्योंकि इसके लेने के बाद इसको और कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है, जिससे उसको प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे लीवर इन्फेक्शन हो किसी को, या फिर किसी को किडनी इन्फेक्शन हो, तो हम उसको भी नहीं दे सकते इसको। अब हम वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या ये प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं। तो मैं बात करूंगा, ये प्रेगनेंसी में सेफ है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम इसको प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं और इसे हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी दे सकते हैं। आप जब भी कहीं इलाज करवाने जाएं डॉक्टर के पास, तो आप अपनी कोई पुरानी समस्या हो, जैसे आप हार्ट के पेशेंट हो या लीवर किडनी के पेशेंट हो, तो आप अपने डॉक्टर को पुरानी समस्या बताएं, ताकि आपको उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई दे सके। दूसरी बात कि आप अपने मन से कोई सी भी दवा ना लें, आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग या फिर किसी फार्मासिस्ट की सजेशन से ही कोई दवा लें, अपनी मर्जी से कोई सी भी दवा ना लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पैरासीटामोल टेबलेट की जानकारी पूरी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके किसी भी नज़दीकी व्यक्ति को इसकी जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।